हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस इन द पावर। मैं श्री हरि। लास्ट हमने देखा था कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें पार्ट 1, 2, 3, और मैंने यहाँ पे एक मेथड जो बताया है आपको, एक इजी मेथड इंट्राडे में, कि आप इस तरह से सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक देखे नहीं है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे, मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये सीरीज अभी स्टार्ट है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केट में, शेयर मार्केट में एक ही प्रॉब्लम होता है, डेली चैलेंज है ये, कि आज क्या खरीदी करना है और कैसे खरीदी करना है, क्यों खरीदी करना है। ठीक है, ये एक बिगेस्ट चैलेंज होता है हर एक ट्रेडर को मार्केट में। तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कि इसमें आपको महारत हासिल करनी होगी और ये डेली प्रैक्टिस से होगा। आपने अगर वीडियोस देखे हैं तो उसमें जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम अभी ये जो वॉचलिस्ट मैंने बताया था, किस प्रकार से इसे बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, ये पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट, सबसे पहला वॉच लिस्ट बनाना होगा। मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक वॉच लिस्ट बनाइए, दूसरा जो है एनएसई के साइड पे जाइए, वहाँ से आप निफ्टी 50 इंडेक्स की लिस्ट निकालिए पूरी पूरी तरीके से, और फर्स्ट वॉच लिस्ट में इंडेक्स आप ऐड कीजिए, सेकंड में निफ्टी 50 के, थर्ड में जो है नेक्स्ट निफ्टी 50, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये नेक्स्ट निफ्टी 50 के है यहाँ पे। ये सेकंड वॉच लिस्ट पे मैंने सभी के सब मैंने जो है बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी के रखे हैं। तो फोर्थ में मैंने रखे हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आज आपको क्या बाय करना है, आपको कहाँ पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहला जो है कि आपको इंडेक्स को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आज देखते हैं हम, तो कौन सा इंडेक्स यहाँ पे राइट नाउ अभी बज चुके हैं 3:10, लगभग 10 मिनट, तो अभी भी एनर्जी सेक्टर बहुत टॉप पर है यहाँ पे, सेकंड रियलिटी, इंफ्रा और फार्मा। ठीक है, तो सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और होता है, मार्केट है, मार्केट चेंज होते रहता है। तो चलिए हम निफ्टी 50 में जाते हैं और यहाँ पे दोबारा एक बार सॉर्ट करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो टॉप में आपको दिखाई देता है यहाँ पे जो है रिलायंस 5.84%। देखिए, मैं परसेंटेज के बारे में बार बार बात करता हूँ, आपको ये कंटेंट कोई भी नहीं बताएगा, आप पूरा यूट्यूब छान लीजिए लेकिन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। परसेंटेज के ऊपर रियल गेम चलता है, अगर आपको कैच करना है तो परसेंटेज को कैच करना। परसेंटेज एक ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स है उससे मिलकर जो है परसेंटेज बाहर निकलता है, परसेंटेज इज द फेस। ठीक है, तो परसेंटेज को अगर आप समझते हो, एक बार परसेंटेज क्या प्ले करता है मार्केट में, ये अगर आपने पकड़ लिया तो आपने मार्केट की नब्ज पकड़ ली, आप इजीली सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सारा सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। प्रैक्टिस कीजिए, आप इसे बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे, इस मेथड के ऊपर आपको भरोसा नहीं आएगा और ना ही आप खुद के ऊपर भरोसा करोगे। सबसे पहले आप अपने आप पे भरोसा आना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला निफ्टी, बैंक निफ्टी, रियलिटी, इंफ्रा, आईटी, ये सभी इंडेक्स आप ऐड किए हैं, वहाँ पे हमने परसेंटेज देखा। सेकेंडली हमने तुरंत गए यहाँ पे निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वहाँ पे जाके सॉर्ट किया, यहाँ पे देखा कि रिलायंस अभी 5.89% पे है, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ तो ग्राफ में दिखाई देता है कि ऑलरेडी यह बहुत बढ़ चुका है। यह ग्राफ में बहुत सारी लाइंस है, इसके बारे में आने आने वाले जो भी वीडियोस है, अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर इसके ऊपर और भी ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग करेगा आपका, ऐसी वीडियोस में यहाँ पे बनाऊंगा जो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सके।
ठीक है, तो अभी अभी का जो टॉपिक है कि सिलेक्शन, ठीक है, अभी तो 3:10 हो चुके हैं, लगभग 15-20 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज के लिए। तो अभी इस समय पे एक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, देखिए रिलायंस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन यह भी आता है कि एक स्टॉक मैक्सिमम जो है नॉर्मल प्ले कितना करता है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इसका जो ये जो टॉपिक है परसेंटेज के ऊपर, कि परसेंटेज के ऊपर से हम कैसे पहचाने कि कौन सा स्टॉक हमें खरीद करना है, ये मैं कवर करूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अभी जो है आप सेकंड पे देख सकते हैं डीवीएस लैब, जैसे कि हमने देखा था कि रियलिटी भी जो है और फार्मा वो बूम करे, तो ये जो लैब जो है ये फार्मा से होता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हम जाते हैं तो फार्मा भी जो है अच्छा खासा ग्रोथ किया है आज के दिन में। एंड ऑफ द डे देख सकते हैं कि फार्मा ने भी अच्छा ग्रोथ किया है। एनर्जी के बाद 4 नंबर पे फार्मा, मोर देन 1%, 1.15%। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंडेक्स 1% ग्रो होता है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। और स्टॉक, जैसे कि हम मैं बात कर रहा था कि स्टॉक्स का ग्रोथ कितना होना चाहिए, सोचिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि एक स्टॉक नॉर्मल प्ले कितना होता है, कितने परसेंटेज से प्ले होता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और एक नॉर्मल डेज होते हैं उसमें कितना प्ले करता है, बी के अभी जाइए मैं आगे बढ़ने से पहले, और तुरंत कमेंट कीजिए परसेंटेज कितना इसमें कितना ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आईटीसी है, इंफ्रा टेक, ये सब जो स्टॉक्स ऊपर आए हैं। अगर रिलायंस को हम देखते हैं तो सुबह देख सकते थे यहाँ पे 9:45 पे, यहाँ पे सुबह का ये जो कैंडल है यहाँ से इसने ग्रोथ स्टार्ट किया है और ये 5% का ग्रोथ। तो आप मुझे बताइए, अगर ये डे में अभी तक एंड ऑफ द डे 5.91% अब तक तो 6% हो चुका है, आप देखिए 6% का ग्रोथ हो चुका है, तो क्या अभी ये स्टॉक लेना सही है? ऑलरेडी अब 6% बढ़ चुका है, टॉप मोस्ट लेवल पे इसका प्राइस लगभग चल रहा है। टॉप मोस्ट पे चल रहा है लगभग, ठीक है। आज का डे का जो हाई है लगभग उस हाई के आसपास ही है, प्ले हो रहा है। तो अगर आप इस समय पे इसमें अगर ट्रेड करते हो तो क्या होगा, क्या आप प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाओगे? ऑलरेडी तो रैली हो चुका है आज के, आज का एज ए इंट्रा डे ट्रेडर, अभी तो समय खत्म भी हो चुका है, तो क्या हमें लेना चाहिए क्या? तो ये परसेंटेज जो है ना बहुत ज्यादा मायने, आपको ये सीखना पड़ेगा और सिखाएगा आपका ही एक्सपीरियंस, आपको सिखाएगा कि परसेंटेज को कैसा देखना है कैसा है, लेकिन मेथड आपको तो फॉलो करना, ठीक है। ये हो गया, इसके साथ साथ ये परसेंटेज का ग्रोथ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर और किसी टॉपिक के ऊपर आपको इसी सीरीज में, ठीक है, इसी सीरीज में अगर और कोई टॉपिक चाहिए आपको सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए। बहुत सिंपल है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, सुबह जिस तरीके से जो भी रूल्स बताया है अगर वो आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टॉक मिलेगा, डेली एक नहीं बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद में देख सकते हैं आप ये नेक्स्ट निफ्टी भी है, नेक्स्ट निफ्टी में अगर देख सकते हैं तो बीडीएल ये अभी फिलहाल टॉप में है 6.6, क्रॉन फार्मा भी सबसे अच्छी खासी ग्रोथ है नेक्स्ट निफ्टी में भी। अगर आप देखते हैं कि टाटा पावर्स भी अच्छा प्ले कर रहा है, तो अगर आप अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं, देखिए ये इसका जो सुबह ये बेरिश ओपनिंग हुआ था इसका, ठीक है, सुबह क्या हुआ था बेरिश ओपनिंग। मैंने क्या कहा था आपको, परसेंटेज को आपको देखना है, अगर ये नीचे भी आया है कम परसेंटेज भी हुआ है तो बाद में इसने ऊपर तो उठा है, बस आपको ये परसेंटेज के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको 9:30 के बाद ट्रेड करना है, ये पहले कैंडल पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूँ, आप चाहे तो 15 मिनट कर सकते हो या 5 मिनट, लेकिन
सुबह का समय होता है तो आप 15 मिनट पे जा सकते हो, 15 मिनट दीजिए मार्केट को। यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, आप देखिए यहाँ से अगर आप उस समय पे देखते तो यहाँ पे आपको समझ में आता कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ परसेंटेज हो रहा था। बस यही एक कैच है कि आपको यही पकड़ना है कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेना चाहिए था। मैं एंट्री की बात नहीं करूँगा, लेकिन सिलेक्शन में हमारा यहाँ पे होना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये 1.2-1.50% के आसपास कुछ तो होगा, लेकिन उसके बाद में उसने जो ग्रोथ दिया है, वाओ, बहुत अच्छा ग्रोथ दिया। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कैसे करो। अगर VDL की अगर बात करेंगे हम, तो VDL का भी सेम था सीन। यहाँ पे शुरुआती समय में ये बेरिश ओपन हुआ, कैंडल बेरिश थी, बेरिश बेरिश बेरिश। यहाँ पे एक लो बना के दोबारा उसने यहाँ से परसेंटेज में इंक्रीमेंट कहा कहा था आपको, जैसे आप वॉचलिस्ट के ऊपर ध्यान रखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर निकला है, टॉपर्स में निकला है। बस आपको वही तो कैच करना है, बहुत सिंपल है बॉस, फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक बहुत ही सबसे ज्यादा सिंपल जो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ही है, और सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लोगों के लिए यही होता है कि यार मैं क्या लूं, कौन सा स्टॉक खरीदी करूं, ये समझ में नहीं आता है। तो डरिए मत, ये जो मेथड है ये कहीं पर भी आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये एकदम 100% काम करने वाला मेथड है। तो अभी के अभी जाइए, अगर अभी तक आपने वॉच लिस्ट नहीं बनाया है तो वॉच लिस्ट बनाइए, इंडेक्स की बनाइए, नेक्स्ट निफ्टी की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ये तीनों जो है तीनों के तीनों वॉच लिस्ट बनाइए। और सबसे पहला जो आपको बनाना है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बार बार यही बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इतना पावरफुल हो कि आपका कोई भी ट्रेड, आपका कोई भी सिलेक्शन गलत ना हो। यू शुड बी ऑन द विनिंग साइड। मुझे ये सीखने के लिए काफी दिन लगे थे, लेकिन आपको सिखाने के लिए बस एक 10-15 मिनट काफी है, क्योंकि खुद सीखते समय आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से जाना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, बहुत सारे ठोकरे खानी पड़ती है। और मैं चाहता हूं कि आपको ऐसी एक भी ठोकर ना लगे। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कतई आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। शायद आप ग्राफ देख देख के बोर हो गए होंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ और नया स्क्रीन पे दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे अभी तो मैं अभी तो ट्रेडिंग नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन समय के हिसाब से आई विल कम लाइव विथ यू। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप, मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे भर भर के प्यार प्यार दो। बस जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बस यही प्यार मुझे आपका चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। और मैं इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको देता रहूँगा, पास आउट करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन थैंक यू, बाय।